ये है दिल्ली दर्पण दिल्ली एनसीआर का नंबर वन वेब चैनल। दिल्ली में महिलाओं की सेफ्टी की चर्चा कई बार सदन में उठ चुकी है और कई बार इसके लिए रणनीतियां भी बन चुकी हैं, लेकिन जमीनी हकीकत अभी वही की वही है। जी हां, दिल्ली में फिर से महिला के साथ छेड़छाड़ और उसे किडनैप करने की कोशिश का मामला सामने आया है, लेकिन लड़की की हिम्मत ने इन बदमाशों की नापाक कोशिश को नाकामयाब कर दिया। मामला है बाहरी दिल्ली के बुद्ध विहार का, जहां बीए फर्स्ट ईयर की एक स्टूडेंट वाई ब्लॉक मंगोलपुरी से बुद्ध विहार अपने घर पैदल जा रही थी। तभी फेज वन में नशे में धुत कार सवार बिगड़े लड़कों ने लड़की पर गंदे कमेंट पास करना शुरू कर दिया। जब लड़की ने इसका विरोध किया तो बदमाशों ने लड़की के साथ मारपीट की और उसे जबरदस्ती कार में बैठाकर किडनैप करने की कोशिश भी की। ये सब शाम को भीड़ से भरे बाजार में हो रहा था। लड़कों ने लड़की को कार के अंदर खींच लिया और थप्पड़ भी मारे। इसी बीच लड़की ने हिम्मत दिखाते हुए पास की डेयरी की दुकान से पनीर काटने वाला चाकू उठा लिया और साथ ही पुलिस को कॉल कर दिया, जिसके डर से लड़के वहां से भागने पर मजबूर हो गए। तो मैं अपने घर वाई ब्लॉक से 21 को 8:30 बजे अपने घर जा रही थी, तो रास्ते में मैंने देखा एक गाड़ी रुकी हुई है। जैसे मैं चलने लगी उसमें से एक लड़के ने मेरे को कमेंट पास की, फिर उसने मुझे गाली बकी। मैंने मेरे हाथ में टिशू पेपर था, मैंने उसको टिशू पेपर फेंक कर मारा तो उनने मुझे गाड़ी में खींच लिया और 3-4 कदम तक गाड़ी चलती रही और मैं भी चलती रही और मेरा हाथ गाड़ी के अंदर ही था। मैंने अपने आप को अनसेफ महसूस करते हुए दूसरा हाथ का इस्तेमाल करते हुए उस लड़के के 2-3 थप्पड़ बजाए और जब तक लोग वहाँ भीड़ इकट्ठे होने वाली थी वो लोग वहाँ से गाड़ी लेके चले गए। मैंने सोचा वो जा चुके हैं। मैं आगे जब डेयरी की दुकान पर रुकी दूध लेने के लिए, तब मैंने देखा वो गाड़ी वहीं पर रुकी है, नाई की दुकान पर, दूध वाले के सामने नाई की दुकान है, वहीं पर रुकी हुई है। मुझे उसे देख कर डर लगा। वो लड़का जैसे मेरे पास आया, दूध वाले अंकल को मैंने बोला अंकल बाहर आइए, मेरे साथ बहुत बदतमीजी हुई है रास्ते में और मेरे को इन लड़कों से डर है और ये मेरे पीछे पड़ हुआ है। मैंने पनीर का रखा चाकू उठाया और उस लड़के को डराया कि मैं मार दूंगी वरना तुम चले जाओ। फिर मैंने 100 नंबर को कॉल किया और ये सब बताया कि 2 लड़के हैं मेरे साथ बदतमीजी कर रहे हैं, मैं अपने आप को अनसेफ महसूस कर रही हूँ, जल्दी आइए। मैंने उनको पूरा एड्रेस भी मेंशन कराया। लड़की की हिम्मत उन बदमाशों के आगे तो जीत गई, लेकिन दुर्भाग्य की बात ये है कि पुलिस अपनी हिम्मत दिखाने में लड़की से भी कमजोर दिख रही है। सेल्फ डिफेंस सीखे हुए लड़की ने अपनी समझदारी से उस कार का नंबर भी नोट कर लिया और पुलिस वालों को दिया। बावजूद इसके पुलिस ने अभी तक इस कार को ढूंढने की कोशिश तक नहीं की है और उल्टा लड़की को आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज इकट्ठा करने की सलाह दे डाली। प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। मैंने गाड़ी नंबर वगैरह सब दे रखा है। 21 तारीख से आज 23 तारीख हो चुकी है, मैं अपने घर से बाहर नहीं निकल पा रही हूँ। मेरे को बहुत डर है कि वो लड़के दोबारा आके मेरे को कुछ कर सकता है या मेरे घर वालों को कुछ कर सकता है। मैं यहाँ पर FIR लेने आई, सिर्फ मुझे FIR दे दी गई है और मुझे कुछ नहीं बताया कि हमें कोई क्लू मिला या हमने कोई इन्वेस्टिगेशन की। इस तरह के गंभीर मामलों में पुलिस का ये रवैया वाकई चौंकाने वाला है। दिल्ली और केंद्र सरकार को संज्ञान लेकर लड़कों की इस हिमाकत पर रोक लगाने की जरूरत है। पुलिस का भुलमुल रवैया बता रहा है कि पुलिस प्रशासन महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कितना लापरवाह है। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली दर्पण टीवी। ये है दिल्ली दर्पण दिल्ली NCR का नंबर वन वेब चैनल।